गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मुन्नार, ऑल सेट फॉर ऊटी। लगेज बांध दिया है, सब रेडी है। मैं भी राइडिंग गियर्स पहन लिया हूँ, बस अब बाइक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुन्नार में यार बड़ा मज़ा आया, दो दिन रहा, अमेजिंग था। मतलब केरला का सबसे बेस्ट प्लेस लगा। अभी ऊटी जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हाल है। कल टेम्परेचर अप टू 15-14 डिग्रीज रात में चले गया था इन मुन्नार, तो काफ़ी ठंडा था, चिल्ड था, मज़ा आया। आई होप आपने इसके पहले के सारे एपिसोड्स देखे हैं, आगे के भी सारे देखना और ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी राइड आज की। ऊटी का सफ़र अब होगा शुरू। फटाफट पहले गूगल मैप पे लगा दो, ये चार्जिंग स्टार्ट कर दो, नहीं तो ये रोते रहता है चार्जिंग के लिए। इसका थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम है। अब पहन लेते हैं ग्लव्स। तो 245 किलोमीटर, 7 आवर्स लगेंगे, तो 5:15 तक पहुँचेंगे। चलो बाय बाय मुन्नार। अब ये चैलेंजिंग रहेगा, देखो भाई कैसा ऊपर ऊपर रास्ता गया है। इतना लगेज लेके ऊपर जाना ना, डर लगता है कि पलटी ना हो जाए ऊपर, उल्टा पीछे टॉप बॉक्स और वो बैग। मैं थोड़ा इसके लिए आगे टैंक के साइड सरक के बैठा हूँ कि भाई कुछ ऊपर नीचे ना हो। ओहो, अब यहाँ से राइट टर्न लेना है। ये राइट टर्न ले लिया, हाईवे पे आ गया। चलो नाउ स्टार्टेड। वैसे एक बात बता दूं, मुन्नार का जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है सी लेवल से, वो है कुछ 1300 या 500 ऐसा कुछ है। जो ऊटी का है वो 2100 है, तो वहाँ पे टेम्परेचर और ड्रॉप रहेगा, तो थोड़ा वहाँ पे और ठंडा रहेगा यहाँ से, तो और मज़ा आएगा। ये आ गया मुन्नार मार्केट। तो फाइनली लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चालू हो गया है, तो अब चलो राइड का मज़ा लेते हैं। कर्व्स पे जो घुमाने मज़ा आ रहा है, रोड एकदम क्लीन है, रेती वेती तो है नहीं कुछ। तो ये वैली कितनी सुंदर लग रही है, पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, वाओ। तो यहाँ पे नो सर्विस है और मेरा जो डिस्टेंस दिख रहा था इसमें अब वो समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी तक तो कोई लेफ्ट राइट टर्न आया नहीं ऐसा कुछ, तो एक ही रोड चल रहा है, तो पॉसिबली यही रोड होगा, सही जा रहा हूँ। गुजरात से आई है गाड़ी, क्या बात है, टाटा हैरियर। चलो अच्छा लगा, महाराष्ट्र नहीं तो एटलीस्ट गुजरात से कोई तो है। लेफ्ट राइट जो कर्व्स है ना, मार मार के मेरे को चक्कर आ रहा है बट बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे जो कॉर्नर पे ये जो टर्न ले रहा ना, अरे एकदम राइड बोलते हैं ना, एकदम झूले पे बैठ के लगता है ना वैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पीछे वाले ब्रेक में से अचानक से अभी ब्रेक मार रहा हूँ तो आवाज़ आ रहा है, क्योंकि अभी कर्व्स है तो बार बार ब्रेक मारना पड़ रहा है। इंटरसेप्टर में ना हिल्स पे जब बाइक चलाते हैं तो थोड़ा एक प्रॉब्लम है, रियर ब्रेक जो है काम करना बंद कर देता है कभी कभी, जब गर्म हो जाता है ना तो ब्रेक फेल हो जाता है पीछे का। मैंने आगे का ब्रेक पैड चेंज करवाया था, पीछे का तो काफ़ी था मेरा, मतलब चल जाए ऐसा। अब पता नहीं ख़त्म हो गया कि क्या, अगर ख़त्म हो गया होगा तब तो तकलीफ़ हो जाएगी, पीछे का ब्रेक नहीं मार पाऊँगा मैं। एक बार रुक के मैं देख लेता हूँ ज़रा पीछे का ब्रेक क्या सीन है, कहीं अगर कॉर्नर पे जगह होगा तो। यहाँ पे देखता हूँ ज़रा पीछे का ब्रेक पैड, भाई अभी तो पूरा बचा हुआ है, ये दिख रहा है ब्रेक पैड अंदर। गर्म हो गया एकदम, बहुत गर्म है, मे भी उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। थोड़ा पानी डाल देते हैं, लास्ट टाइम भी मैं जब मनाली गया था तो ऐसे ही हुआ था, ब्रेक फेल हो गया था, देखो ऐसा आवाज़ आ रहा है, इसको ठंडक मिल गई। तो ये वन ऑफ द काइंड ऑफ बोल सकते हो टूल कि आप ये कर सकते हो जब आपका ब्रेक लगे कि फेल हो रहा है, और या फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ओके सो यहाँ पे नेटवर्क आ गया है, तो मैं ज़रा देख लेता हूँ सही जा रहा हूँ कि नहीं। यस सही जा रहा हूँ, अब जा सकते हैं आगे, ब्रेक का भी प्रॉब्लम सॉल्व। मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया जॉस्टल में ही, मस्त 2 आलू के पराठे, 1 पनीर के पराठे, कॉफ़ी इतना खा पी के निकला हूँ, तो अभी इवनिंग तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स आ गया अभी, यहाँ पे जो टी के फार्म्स थे कम होते जा रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं देखो ऊपर है टी के फार्म्स, यहाँ पे नीचे नहीं है अभी, ये नॉर्मल अपने जंगल या फॉरेस्ट एरिया बोल सकते हो स्टार्ट हो रहे हैं। 6
चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ से आगे 12 किलोमीटर बाद, तो मे भी वहाँ तक फिर फार्म्स ख़त्म हो जाए। 11:45 हो गया अब टाइमिंग, और ये मस्त फॉरेस्ट एरिया, वाह मारायूर करके कोई ये जगह है, वहाँ पहुँचा। यहाँ के नाम थोड़े डिफ़िकल्ट होते प्रोनाउंस करने के लिए, कब से यही डर था पेट्रोल पम्प आना मांगता है, नहीं तो लफड़े हो जाएंगे, क्योंकि टैंक थोड़ी आधे से कम है, 40% ही फुल है, और हिल्स एरिया है, लफड़ा हो जाता। तो 585 का यहाँ पे पेट्रोल भराया, 106.56 रुपीस रेट है यहाँ पे। पेट्रोल भरा लिया, 12 बज गए और 50 किलोमीटर आ चुका हूँ, और ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पकड़ ही लो, 200 किलोमीटर जाना है। यहाँ पे सिर्फ जियो का नेटवर्क है, एयरटेल वोडाफोन का नेटवर्क नहीं है, मैं तीनों सिम लेके घूम रहा हूँ। तो यहाँ से चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट हो रहा है, चेक पोस्ट भी था पीछे। पूरी वैली क्रॉस करनी है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक। केरला फॉरेस्ट चेक पोस्ट, इस पर रुकाया, गाड़ी का नंबर लिया, नाम लिया, और कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रजिस्टर में लिखा और छोड़ दिया। रे देखो बंदर गाड़ी में घुस गया तो थैंक यू, कम अगेन, यू आर लिविंग केरला। ओके, आई एम लिविंग केरला, सो आई हैव एंटर्ड तमिलनाडु अगेन, वंस अगेन, केरला से तमिलनाडु। वापस इधर चेक पोस्ट है, अनामलाई टाइगर रिजर्व। ओके, ये टाइगर रिजर्व चालू हो रहा है, क्रोकोडाइल सेंटर 20 किलोमीटर्स, बाप रे, सब इधर फॉरेस्ट एरिया और इधर ही है सब, ये सभी है। वाह, रोड देखो, एक नंबर, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ रे बाबा, क्या भयंकर लग रहा है ये, और रोड एकदम मस्त। तो एकदम जंगलों से घिरा हुआ ये रोड, पहाड़ों से घिरा हुआ ये रास्ता, और यहाँ पे मैं अकेला। रात में तो आई गेस ये रोड बंद होता होगा, अलाउड नहीं होता होगा, फॉरेस्ट एरिया में अलाउड नहीं होता है रात को 6 बजे के बाद। थ्रिलिंग है ये राइड। वहाँ अभी टू वे रोड चालू हो गया है यहाँ से आगे, यहाँ थोड़ा भी 1-2 मिनट का ब्रेक लेके फिर आगे बढ़ता हूँ। ये गॉगल लगाने से थोड़ा यहाँ पेन होने लगता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर रोड, वाव, अब यहाँ फोटो तो बनता है ना, ऑब्वियसली, क्यों नहीं, एकदम टनल बना हुआ ऐसा लग रहा है। अल्टीमेट, बहुत सारे विंडमिल्स। तो ये उधम लपेट सिटी बोल सकते हो या विलेज बोल सकते हो, विलेज सिटी बोलो, उधम लपेट पहुँचा हूँ। आज सारे विंड मिल्स की छुट्टी है लगता है, कोई चालू नहीं है, कोई घूम नहीं रहा है। कितना बड़ा विंड मिल है ये वाला। तो तमिलनाडु में एक बड़ा प्रॉब्लम यही है खाने पीने का, कहीं पे भी इजीली खाने पीने का ऐसा कुछ मिलता नहीं है। बाकी जगह पे कैसा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों बोल सकते हो, पूरा ओवरऑल साउथ बोल सकते हो, आफ्टर एंड ऑफ तेलंगाना और केरला के सिटीज़ को छोड़ के बाकी एरिया जो भी साउथ के हैं, खाने का बड़ा इशू होता है कि कहीं भी रोड साइड में कुछ ऐसा कुछ खा ले खड़े होके, रहता नहीं है ना कोई स्टॉल, ना कुछ, ना कोई जूस वगैरह, गन्ने का जूस, फ्रूट जूस, कुछ तकलीफ़ है बड़ा, अनटेनलेस कोई सिटी हो। तो अभी फ़िलहाल मैं कब से सोच रहा हूँ ब्रेक लूँ, कहीं कुछ अगर रहे पीने के लिए खाने के लिए तो रुकूँ, तो कुछ ऐसा तो मिल नहीं रहा है कब से, तो मैंने होप छोड़ दिया अभी। लेकिन एटलीस्ट सोच रहा हूँ एटलीस्ट बिस्किट या कहीं वेफर वेफर कुछ मिल जाए दुकान, तो एटलीस्ट ख़रीद के फिर खा लूँ, पानी का बॉटल ले लूँ, वो भी नहीं मिल रहा है। कहीं गांव वगैरह आ रहा है तो भी वैसे दुकान ही नहीं है कोई। तो मैं अभी 123 किलोमीटर्स आ चुका हूँ, तो अब 50% और रास्ता बाकी है, तो 2:15 बज गए। चलो अब जाके एक दुकान तो दिखी, इधर बिस्किट्स ख़रीद लेता हूँ। बॉर्बन बिस्किट है, बॉर्बन बिस्किट, हिंदी इंग्लिश அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது, இந்தி இங்கிலீஷ்ல பார்பன் பிஸ்கட் தோனா எவ்வளவு வேணும்,
अभी क्या बोल रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 3 चलो भाई 3 बिस्किट ले लिए। पानी का बॉटल तो ऐसे है मेरे पास, सोचा था खरीदने बट ये गर्म हो गया होगा, बट ठीक है इसी से काम चलाएंगे, अब कहीं आगे रुकूंगा। चलो यहाँ नारियल पानी पियेंगे और बिस्किट खा के फिर आगे बढ़ेंगे। वाटर वाटर कितना? 40। अभी 2 बज गए, 117 किलोमीटर और जाना है, 3.5 घंटा और जाएगा। लेट्स स्टार्ट अगेन एंड स्टार्टेड अगेन। और यहाँ से कोयम्बटूर क्रॉस करते हुए यहाँ लेफ्ट में जाएंगे तो कोयम्बटूर आएगा, अपने को जाना है स्ट्रेट। तो अभी ये कोयम्बटूर के आउटर से यहाँ पे जो ऊटी है 95 किलोमीटर है, तो समझ लो वही मुंबई टू लोनावाला वाला डिस्टेंस है। मुंबई से लोनावाला जा रहे हैं हिल स्टेशन, यहाँ कोयम्बटूर से ऊटी जा रहे हैं। क्या रोड है, क्या रोड है भाई, मज़ेदार। थोड़ा पैरों को आराम, लेग गार्ड पे रख के स्ट्रेच कर रहा हूँ। भाई क्या चल रहा है इधर, तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई मार्केट में पहुँचा हूँ, बड़ा गंदा सा यहाँ पे रोड है। सोचा नहीं था इतना अच्छा रास्ता होगा ऊटी के लिए, बाप रे बहुत अमेजिंग रास्ता, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब बोलते ना एक हर बाइकर को इस रूट पे जाना चाहिए, तुम क्लीन रास्ता, कोई पैचेस नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। और हिल्स दिखना चालू हो गए। तो यहाँ पे रुक के मैं अभी GoPro की बैटरी चेंज कर रहा था, मार्केट से बाहर निकला और अचानक से सामने एकदम बड़ा सा पहाड़ दिखना चालू हो गया। अभी ये ऊपर ऊपर जाना रहेगा, इसके 53 किलोमीटर्स और है और 2 घंटे लगेंगे, चलते हैं आगे। बहुत ही अच्छा रोड, यहाँ फोटो लेता हूँ। ये किस चीज़ का पेड़ है? खजूर का है, नारियल का पेड़ है, अलग टाइप के थोड़े पेड़ है ये, नहीं खजूर के पेड़ है ये सब। सो अभी यहाँ से हिल्स चालू हो रहा है, अब ज़्यादा मज़ा आएगा राइड पे। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और ठंडी बढ़ेगी। बाप रे कितना घना है ये जंगल, पेड़ तो ऐसे लटके हुए रोड से साइड कि जरा हवा का झोंका आए और ये रोड पे सो जाए। छोटू सा एकदम वाटरफॉल यहाँ पे, ये बारिश में कितना बड़ा होगा, टाइम इसको बढ़ाना। और देखो कितना टर्न है, देखो गूगल मैप देखो, zigzag, बहुत होने वाला है। अभी ठंडा ठंडा हवा एकदम मस्त लग रहा है। आज हिल्स पे बहुत राइड हो गई, मुन्नार से निकला था तब 50-60 किलोमीटर और अभी ऊटी के पहले से, तो आज लेफ्ट राइड बहुत हो गया है। कितने बड़े बड़े हिल्स हैं और कितने सारे हैं, और टी फार्म्स स्टार्ट हो गए आना। और जैसे ये स्टार्ट होते इतना ब्यूटी बढ़ जाती है ना इसकी, पहाड़ों की। अब यहाँ से 2 रास्ते निकल रहे हैं, अब जाऊँ कहाँ से। वाओ अलग अलग लैंडस्केप देखने मिल रहा है। बाप रे अभी 19 किलोमीटर और है, लेकिन ठंडी एकदम जबरदस्त वाली पड़ रही है अभी तो। हाँ एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है अचानक से। अरे बाप रे ऊपर तो फुल सिटी है पूरी, एक साउथ का मनाली है ये, साउथ का मनाली। वाओ जहाँ देखो वहाँ वाओ। चलो इधर से पहले फोटो ले लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। ये कहाँ गए हम,
भटकते भटकते। अब तो ठंडी मजबूत लग रही है। बहुत लेफ्ट राइट घूम फिर लिया, अब कहाँ है भाई? हाँ दिख गया, जॉस्टल। तो इधर बैठा है ये छुपके। कितना घुमाया जॉस्टल ने, कितना घुमाया भाई, कितना घुमाया। अब बाइक पार्क करते हैं। चलो फाइनली पहुंच गए। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया। बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। आते आते भटक तो गया था रास्ता, गूगल मैप ने यहाँ वहाँ घुमा दिया, बट फाइनली पहुँचा। यहाँ पे चार्जेस 550 रुपीज़ है पर नाइट का। अभी जाता हूँ, देखता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ। बाय। हेलो गाइस, अभी नाश्ता किया, यहाँ पे कांदा भजिया खाया, कॉफ़ी पिया। इतनी ज़्यादा ठंडी है, मुझे बाहर खड़े रहने नहीं हो रहा है, तो अंदर आ गया मैं रूम में। अभी चद्दर में घुसने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 13 डिग्री दिखा रहा है, बट 13 डिग्री है नहीं, विंड इतना है, तो उसका इफेक्ट जो है 8-9 डिग्री वाला पड़ रहा है। और इतना मैं प्रिपेयर नहीं था इतनी ठंडी के लिए, बट मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ अलग अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, मनाली वाला एक्सपीरियंस हो रहा है। लास्ट ईयर मनाली गया था, उसका वीडियो अगर आपने देखा होगा तो देखना ज़रूर, अगर नहीं देखा है तो। बस वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे ले रहा हूँ। तो गाइज़ ये ब्लॉग मुन्ना टूटी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपने इसके पहले वाले सारे एपिसोड देखे होंगे और आगे के भी देखेंगे। कुछ सजेशन फीडबैक कुछ भी रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए एपिसोड में। बाय, गुड नाइट।